दोनों जी आपके नाम में और इस चैनल के नाम में काफी समानता है इस टाइप का। क्या बोल रहे हैं आप? एक्सपेक्टर मेरा नाम सोनू निगम है क्या? एक सोनू निगम है क्या? एक्सपेक्टर का मतलब ऑफ कोर्स मैं एक जज हूँ, उसका हिस्सा हूँ और बहुत मजे ले रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है मुझे। आपकी स्टाइलिंग कौन करता है सोनू जी? डिफरेंट शोज में आप बहुत डिफरेंट दिखते हैं। एक है जैसे एक 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 वर्ड सुना है अल्लाह मलिक, बस नहीं बट एक्चुअली इस शो में मेरी स्टाइलिंग जो है वो समीर पटेल, मेरी मेरी बीवी मधुरिमा, वो सब मिलके कर रहे हैं और अच्छा लगे तो कॉम्प्लीमेंट दे देते, बुरा लगे तो फिर क्या कर सकते हैं। सोनू आप जी, संजय जी ने कहा कि आप बहुत नॉनसेंस जोक करते हैं, कर रहे थे वहाँ पे, तो क्या चलता था, किस तरह के नॉनसेंस जोक होते जाते हैं? कुछ नहीं, मस्ती करते रहते हैं। अब मुझे मेरी जोक्स याद रहते नहीं, इनको याद रहते होंगे तो मैं तो एक के बाद एक मैं ये करता हूँ, चाहता हूँ। देखिए काम करते वक्त इंसान कब, हम जब कभी 12-12 घंटे एक साथ एक कुर्सी में बैठे होते हैं और बहुत काम कर रहे होते हैं तो उसमें अगर हम एकदम बोर अंडे की तरीके से पड़े रहें तो बहुत बुरा रहेगा, काम का मज़ा नहीं रहेगा। मेरे ज़िंदगी में हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं जो भी करूँ उसमें मैं इंजॉय करूँ, चाहे मैं बेस्ट चीज़ छोड़ दूँ, लेकिन जब मैं कुछ भी छोटे भी चीज़ करूँ तो उस जर्नी में, उस सफ़र में मुझे मज़ा आए। पर ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, इसके सफर में मुझे मजा आ रहा है, सो आई जस्ट कीप एंटरटेनिंग पीपल। मैं खुद भी एंटरटेन होता हूं। लेकिन इसमें छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं, yeah. सभी एज के लोग हैं, तो उनके साथ डील करते थोड़ा सा मुश्किल तो जाता होगा कि छोटे के साथ बड़ों सोनू 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 मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, आप लोगों का एक लेफ्ट आंसर लेने के लिए। अच्छा एक तो बताइए आपका एक्सपेक्ट, मुश्किल होती है कभी कभी छोटों में, बड़ों में, ग्रुप्स में। छोटों को बोलना थोड़ा सा दुखदाई होता है क्योंकि वो अभी भी बड़े हुए हैं और यू नो उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी एस्पिरेशंस हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, और बड़ों को बोलने में डर लगता है कि कहीं वो बुरा ना मान जाए बेचारे। ग्रुप्स में भी लगता है कि इतने सारे लोगों का दिल टूटेगा अगर हमने ना बोल दिया तो। सो एक्सपेक्टर में लेकिन क्या है कि म्यूज़िक ऐसा समा बनता है, आप एक तरह का म्यूज़िक सुनते नहीं, आपको हर तरह के म्यूज़िक मिलेंगे। आपको राजस्थानी फोक मिलता है, आपको पंजाबी फोक मिलता है, आपको आज के गाने, आज के मेन स्ट्रीम गाने, आपको सारे हिप सिंगर्स मिलते हैं, लड़कियां, लड़के, ग्रुप्स, डुएट्स सब मिलते हैं। सो अलग ही मज़ा है जी। सुनो आपका एक्सपेक्टर क्या है, आप लोगों का एक्सपेक्टर ढूंढने निकले हैं? मेरा एक्सपेक्टर सिर्फ ये है कि मैं हूँ, मैं कोई मुझे कुछ कहता है तो मैं उसकी बात सुनता हूँ लेकिन मैं करता अपनी मन की हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी जर्नी मैं ही जानता हूँ, मेरा सफ़र मैं ही जानता हूँ, मेरा बचपन, मेरी जवानी जो मुझ पर गुजर रही है, मैं आगे क्या करना चाहता हूँ ये मैं ही जानता हूँ। तो कोई और मुझे ना बताए कि कैसे रहना है, क्या करना है, और यकीन मानिए इस चीज़ में जो मज़ा है वो किसी की तरह बनने में मज़ा नहीं है। आज मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मैं पहले दिन जो मैंने आपका इंटरव्यू लिया था, मैं आपकी बातों से इत्तेफाक रख रही हूँ, आज मैंने देखा बाकी डिफरेंट है। हाँ है, मज़ा आता है, अपनी ज़िंदगी खुद जीने में मज़ा आता है, अपना मकाम बनाने में खुद मज़ा आता है, और इंसान जब इस दुनिया से जाता है तो लगता है कि मैंने वो सब किया जो किसी और ने नहीं किया और जो किसी और ने मुझे बताया नहीं, मैंने खुद अपना रास्ता खुद चुना, तो वो मज़ा आता है। तो भी आप बच्चों की बात कर रहे थे और आपके साहबजादे भी आजकल गाने में काफ़ी। हाँ, उसने एक गाना गाया अभी, तो थोड़ा सा गाया, पूरे तो नहीं गाया, छोटा है वो बहुत। उनका एक्सपेक्टर क्या है आपके? वो बहुत बहुत खुश मिजाज बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है। मेरे ख्याल से उसको घर का माहौल हमने ऐसा दिया हुआ है कि हम लोग घर में बहुत वाइब्रेंट और पॉजिटिव रहते हैं, तो वो भी बड़ा, वो ऐसा पहला बच्चा है जो उठता ही ऐसे, वो उठता है ऐसे, कुछ बच्चों तो जो चाहिए वो उठता ही बड़ा खुश है। उसका एक्सपेक्टर ये है कि वो ज़िंदगी से खुश है। आई के नॉट सपोर्ट एनी मेजर टीम बिकॉज ऑल ऑफ देम आर माई ब्रदर्स। मेरी ना केवल वो मेरे देश के हैं बल्कि मैं प्रतियोगिता में ना अमूमन, देखिए मैं इस शो का हिस्सा हूँ और इसमें मैं एकदम जज की भांति लोगों को लड़ते हुए देखूँगा आपस में, लेकिन ये मेरा काम है, मन से मैं किसी को लड़ते हुए आपस में सपोर्ट नहीं करता। मैं जानता हूँ ये उनका काम है, ये उनका खेल है, उस खेल को मैं खेल की भांति लेता हूँ, तो मुझे ये नहीं है कि कोई जीत जाए कोई हार जाए, ऐसा कुछ नहीं है। बट आई रियली एंजॉय, द कॉम्बैट, मुझे मज़ा आता है कि ये दो टीमें आपस में लड़ रही हैं, बट मेरा कोई फेवरेट ऐसा कुछ नहीं। हाँ मैं ज़रूर देखूँगा, ज़रूर देखूँगा। फनी इंसिडेंट ऑडिशन के टाइम पर, अरे बाप रे, दो लड़के आए, वैसे मुझे आई डोंट थिंक आई शुड टेल यू बट चलो बोल देता हूँ मैं। दो लड़के आए, उन्होंने
संजय बंसाली जी जैसे रिजर्वड और बड़े बेचारे पैशनेट आदमी, उनके दो गाने गाए, उनका गाना गाया, एक ही गाना दोनों ने गाया अलग अलग से, अलग अलग दिन में, अलग अलग शहरों में, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, और उन्होंने जो उस गाने की बैंड बजाई है, तो जब पहले वाले ने बैंड बजाई तो मुझे इतनी खुशी हुई, क्योंकि संजय बंसाली जी के सामने उनके गाने की बैंड बजाना भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है, बिकॉज संजय जी यू वी ऑल नो सो पैशनेट अबाउट म्यूजिक, उनकी शक्ल ऐसे हो गई थी कि मेरे गाने को ऐसे कैसे कर रहे हैं। उसके बाद मैं गया और मैंने उसको गोदी में उठा लिया, लड़के को गोदी में उठा के संजय बंसाली ने ये आपके लिए भेंट है ऐसे दिया। फिर कुछ और शहर में गए और वहाँ पर भी एक और बच्चा आया, जिसने लड़का आया मतलब आदमी था वो, उसने भी ऐसे गा लगाया सेम एकदम तड़प तड़प के ऐसे गाया, उसको भी मैंने गोदी में उठाया और संजय की गोदी में डाल दिया कि आपका आपकी तरफ भेंट है। दैट्स द फनीएस्ट थिंग।